हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिमसन सिटी बाय मधुली लिडिल व्हिच इज अ डिटेक्टिव लिटरेचर स्टोरी सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर मधुली लिडिल तो जो मधुलिका लिडिल हैं उनका बर्थ एट जैन 1973 में हुआ एंड शी इज अ इंडियन राइटर इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है इनकी बुक्स के बारे में जो कि मुगल डिटेक्टिव मुजफ्फर जग को फीचर करती हैं एंड दिस मैन इज अ सेवनटीन सेंचुरी मुगल डिटेक्टिव जो मदुलिका लिडल हैं उनका बर्थ हुआ था असम के अंदर एंड हर फादर एंड्रू लिडल वॉज एन ऑफिसर इन आई पी एस अब इनके फादर का ट्रांसफर होता रहता था जिसकी वजह से शी लिव इन वेरियस टाउन्स ऑफ असम एंड इन नाइनटीन एटी फाइव जो इनके फादर हैं उनका ट्रांसफर हो गया न्यू डेली में तो उन्होंने जो अपना पूरा स्कूलिंग है उसको फिनिश किया है डेली के अंदर ही एंड मधुलिका का जो फर्स्ट वर्क है दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था साइलेंट फियर फॉर विच शी आल्सो वॉन फेमिना थ्रिलर कंटेस्ट इन 2001 सो शी इज़ अ वेरी प्रोलिफिक राइटर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर नॉवल क्रिमसन सिटी ये जो हमारी कहानी है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लोट्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक टाइम पे तो मर्डर हो रहा है फिर दूसरे टाइम पे यहाँ पे कुछ किडनैपिंग हो रहा है तो ये चल क्या रहा है इसलिए आपको सारी फाइन डिटेल्स देखनी पड़ेंगी जिससे आप पूरे प्लॉट को समझ पाएंगे स्टोरी के बिगनिंग में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मुजफ्फर जंग से जो कि हमारे डिटेक्टिव है और ब्रदर इन लो हैं कोतवाल साहिब के जो कि पुलिस चीफ हैं उस टाइम के मुजफ्फर जंग की जो वाइफ हैं उनका नाम है शरीन अब हमें जो पहला केस है वो बताया जाता है एक क्लोथ मर्चेंट का तो अब एक क्लोथ मर्चेंट है जिनका नाम है आदिल इनका मर्डर हो गया है अब जैसे ही कोतवाल साहिब और मुजफ्फर जंग जाते हैं मर्डर साइट पे, तो उनका ऐसे यान्स और क्लोथ्स एंड ये सारी चीजें वहीं पे फैला होता है जिससे उन्हें ये तो पता चल जाता है कि भाई ये जो पूरा मर्डर है वो लूटने के लिए तो नहीं हुआ एटलीस्ट इसके पीछे कुछ और ही रीजन रहा होगा फिर वो बात करते हैं इनके असिस्टेंट से जो कि आदिल के असिस्टेंट रहते हैं एक हिंदू सूरजभान तो सूरजभवान यहाँ पे उनको बताते हैं कि नहीं ऐसा जो मर्चेंट थे उनका कोई ऐसा एनिमी नहीं था ना ही ऐसा सा नेचर था कि सबसे लड़ाई झगड़ा करना अपने मन में ही रखते थे वो अपनी बातें तो यहाँ पे इस केस को पूरे ऐसे हैंगिंग छोड़ दिया गया है इसको सॉल्व नहीं किया गया अभी तक इतने में सेकेंड केस आ जाता है इस सेकेंड केस में क्या रहता है कि एक हिंदू साहूकार लक्ष्मी नारायण का बेटा उसको वार्निंग मिला ऐसे कि हम आपके बेटे नंदू को किडनेप कर लेंगे अब उनको वार्निंग लेटर मिला है पुलिस में वो कम्प्लेंट दर्ज करवा नहीं सकते क्योंकि कोई क्राइम हुआ नहीं है अभी तक आप सिर्फ एक थ्रेट के बेसिस पे कम्प्लेंट नहीं दर्ज करा सकते थे तो इसकी वजह से अब ये बहुत टेंस्ड है जो हमारे हिंदू साहूकार हैं लक्ष्मी नारायण तो जैसे ही यहाँ मुजफ्फर जंग जाते हैं तो वो ऐसे ही इंटीरियर चेक कर रहे होते हैं घर का एंड तो मतलब थोड़ी फाइन डिटेल्स वो कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर तो उनको बताया जाता है उस लेटर के बारे में तो जब उसको एग्जामिन करते हैं तो वो देखते हैं कि लेटर को ना इसे टाई किया गया था अराउंड अ स्टोन विद अ थ्रेड जब वो देखते हैं उनसे तो उनको दिखता है कि जो थ्रेड है ना उस पर नीले कलर का डाई लगा हुआ है और सुभद्रा भी पता चलता है उनको कि बच्चे की केयर टेकर थी तो वही उसके साथ रहती थी तो इतने में एग्जामिन ही कर रहे होते हैं तो बच्चा किडनेप भी हो जाता है देन वट हैपन कि जब वो स्टेन को देखते हैं वहाँ पे तो वो सोचते हैं कि ये जो डाई है ना वो सिर्फ जो कतरा नील प्लेस है ना वहाँ पे ही मिलती है जहाँ पे डाए स्ट्रीट भी बोला जाता है इसको जहाँ पे पूरा डाय बनता है तो फिर वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता लगता है कि एक आदमी है जगन्नाथ करके क्लोथ मर्चेंट है ये भी इन्होंने कुछ दिन पहले ही जो साहूकार है उनको पैसा रिटर्न किया था और उन्होंने एक और गलती करी इस चीज़ में कि उन्होंने सेम अमाउंट जो पैसा वापस किया था सेम अमाउंट फिरौती में मांग रखा था तो फिर जो हमारा ये डिटेक्टिव है ये पूरी चीज़ों को रिलेट करता है और समझ जाता है कि भाई यही आदमी है जो कि क्लोथ मार्केट में आता जाता रहता है वहीं पे वो डाए वाए मिला है उसे तब इसी वजह से इसका यह सारा रेफरेंस है तो ये केस वहीं पर सॉल्व हो जाता है कंसिडरिंग कि जो जगन्नाथ है उसने ही जो नंदू है उसको किडनेप करने का ऐसे धमकी दिया था तो ये केस यहाँ पर सॉल्व होता है उसके बाद हमारा एक और केस आएगा तो हमारे नेक्स्ट केस में क्या होता है एक हमाम हो रहा होता है हमाम रहता है कि पब्लिक बाथ हाउसेस अब यहाँ पे क्या होता है एक अब्दुल जबर नाम का आदमी रहता है बहुत ही रिच जिसका वो पूरे ऐसे प्राइवेट बाथ रहता है वहाँ पे। अब जंग और उनका दोस्त अकरम यहाँ पे होते हैं जहाँ पे ऐसा पूरा पब्लिक बाथ का सिस्टम था तो ये देखते हैं कि वहाँ पे जैसे खबर आता है पूरा कि जो अब्दुल ज़बर है उनको मार दिया गया लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सुसाइड किया है लेकिन जब मुजफ्फर जंग उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो वो पाते हैं कि भाई एक आदमी अपने दोनों हाथ की नशे कैसे काट सकता है तो फिर वो इसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई है तो ये मर्डर ही वो ऐसा सबसे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या कैसा आदमी था ये अब्दुल जबर तो उनका वॉचमैन उनको बताता है कि यार बहुत क्रूएल ये आदमी था इसने किस लेवल की क्रुएलिटी कर रखी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता एक बार तो इसने एक सेवेंट के बेटे को इतना ऐसा कोड़े मरवाए थे कि वो मर ही गया था जस्ट कॉज कि वो इसके घोड़े के सामने से एक बार भाग के निकल गया था सिर्फ इस गलती की वजह से किसी से नहीं डरता था पैसे का घमंड था पूरा कि भाई हाँ पैसे हैं मेरे पास सारी चीजें शहरत हैं और मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ तो उस एटीट्यूड के साथ था ये आदमी तो ये बोलता है कि अब देखो जो आदमी खुद नहीं रुकेगा खुद अपनी गलतियां नहीं समझेगा उससे कोई ना कोई तो रोकने वाला आएगा इसलिए वो पूरा फिर शक जाता है इस पे जो जिसके लड़के को मारा गया था उस सर्वेंट पे जिसका नाम होता है फराज कि भाई हाँ फराज ने ही प्लान किया है इसका मर्डर एंड लास्ट में ये केस भी सॉल्व हो जाता है कि फराज ने पूरा प्लान किया था इसको मर्डर करने का तो फिर ये जो हमारे Uh, जंग है डिटेक्टिव वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस केस को जो लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है उसके पास नहीं लेके जाएंगे फिर जो एक हमारा पहले वाला केस पेंडिंग पड़ा है ना वो मर्चेंट वाला क्लोथ मर्चेंट आदिल वाला उसका मैं स्टोरी आपको बताती हूँ वो होता है लास्ट में सॉल्व तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी होता है परवेज नाम का जिसकी वाइफ का नाम है नीलाफर अब जो ये परवेज है ना ये फोर्स करता है नीलोफर को कि मेरे से शादी कर ले और पहले भी मतलब इसने बहुत बार ऐसा मिसबिहेव किया है इसके साथ और इसका जो भाई है नीलॉफ़र का शमशुद्दीन उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है चोरी वगैरह के अब भी सोरत को ये बिल्कुल पसंद नहीं है परवेज़ और ये बातें पता चलती हैं मुसफ़रजंग को अब ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है पूरा वो किसने प्रोवाइड किया है ये परवेज़ के बारे में बताया है गुलाम मुस्तफ़ा ने जो कि सूरत में उनके पास ही रहता था अब जो नीलोफर और उनकी मेड हैं अमीना बीबी वो दोनों मिलके क्या करती हैं इसके भाई को बचाने की कोशिश करती हैं जो कि मर्डर कर देता है परवेज़ का भी और दो इनोसेंट लोग भी आते हैं इसके अंदर आदिल और बशरत अब एक्चुअल में हुआ क्या था ये जो शमशुद्दीन था नीलोफर का भाई अब इसको ऐसा पूरे ग्रजिस्ट तो थे इसको लेके परवेज़ को लेके कि इसको तो मैं निपटाऊंगा लेकिन ट्रेजिक केस हो जाता है मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का कि आप किसी को कुछ और कंसीडर करके तो परवेज की जगह आदिल मर गया मतलब जो शमशुद्दीन है वो मारने तो निकले थे परवेज को लेकिन गलती से उनको लगा कि ये परवेज ही उन्होंने आदिल को मार दिया उसके बाद फिर वो मिस्टेक करा उन्होंने सेम उन्होंने बशरत को मार दिया गलती से बाद में फिर परवेज तो मारना ही था तो ये जो दो लोगों का वो छुपाने के लिए नीलोफर उनकी मेड पूरा ट्राई करती हैं कि हम अपने भाई को बचा लें लेकिन नहीं हो पाता तो यही था हमारी स्टोरी में इसमें पहले तो हमें टेंशंस बताई गई हैं एक रिलीजियस तरीके की जहाँ पे हमें प्रिजडिस दिखाया गया है हिंदुओं का मुस्लिम की तरफ और मुस्लिम्स का हिंदुओं की तरफ एक तो ये चीज़ है इसमें मीन इन द सेकेंड थिंग इज अबाउट मुगल कोर्ट या फिर कहीं शाहजहाबाद के बारे में ही कि जो शाहजहाबाद था वो बाहर से बहुत ही सुंदर सिटी था लेकिन अंदर उसके बहुत ज़्यादा मोरल डिके हो रहा था जो मुगल कोर्ट के हमारे बूढ़े से एम्पायर हैं एजिंग एम्पायर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल में वो एजिंग या फिर कहें एक डी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ अमंग पीपल उस चीज़ को शो कर रहे हैं तो उनका जो फिजिकल फ्रिलिटी है वो मॉरल फ्रिलिटी को शो कर रहा है अमंग द सिटीजन्स ऑफ दिस टाउन ठीक है तो इस सिटी के पूरे जो मॉरल डिके है उसको दिखाता है कि जो मॉरल डिके है उसकी वजह से सारे क्राइम हो रहे हैं यही सब बताया गया है इस नोवेल के अंदर आई होप आपको समझ आया होगा फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उससे आप पूछ सकते हैं एंड आई एल आंसर दैट देन इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड